अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे द बॉयज खिलाफत, खलीफा अबू बकर, अपोस्टेसी वॉर्स एंड कंसोलिडेशंस ऑफ इस्लाम। देन वी विल डिस्कस खलीफा उमर बिन खिताब, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर, खलीफा उस्मान बिन अफान, प्रॉब्लम्स एंड इशूज इन द मुस्लिम कम्युनिटी, खलीफा अबू तालिब, राइज ऑफ फंक्शनलिज्म एंड एब्डिकेशन ऑफ इमाम हसन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उम्मी डेंसिटी। खलीफा अबू बकर, अर्तदाद की जंगें और इस इस्लाम का इस्तेकाम क्या था, खलीफा उमर बिन खिताब, उनके इंतजामी निज़ाम का क्याम किस तरह हुआ और मुस्लिम सल्तनत की तौसी। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि खलीफा उस्मान बिन अफान मुस्लिम कम्युनिटी में मसाइल क्या थे और खलीफा अली बिन अबी तालिब, फिरका विरादियत का अरूज और इमाम हसन का इस्तीफ़ा और अम्मी सल्तनत का क्याम। और तो रासदबाज जो खिलाफत थी वो 1632 to 1660 तक थी और राशिदबाज जो खिलाफत थी इसको इस खिलाफत को यानी राशिदुन खिलाफत भी कहा जाता है। तो ये वो दौर है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद का है और इसके जो निशान है वो पहली चार रहनुमा खिलाफतों की क्यादत है और ये दौर 632 से 660 ईस्वी तक फैला हुआ है और इसमें अहम चैलेंजेस शामिल हैं जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी का इस्तेकाम है, इस्लामी सल्तनत की तौसी है और दाखिली तनाजात इसके अंदर शामिल है जिन्होंने आखिरकार अम्मी सल्तनत के क्याम की भी राह हमवार की। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खलीफा अबू बकर, अपोस्टेसी वॉर्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ इस्लाम, इलेक्शंस एंड अर्ली चैलेंजेस। तो खलीफा अबू बकर के अर्तदाद की जंगें और इस्लाम का इस्तेकाम, इंतखाब और इब्तदाई चैलेंजेस। तो पैगम्बर की वफात के बाद, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 632 ईस्वी में अबू बकर जो कि पैगंबर के करीबी साथी थे और सुसर थे तो उनको पहले खलीफा के तौर पर मुंतखब किया गया था और उनका जो फौरी चैलेंज था वो मुस्लिम उम्मत की इतिहाद को बरकरार रखना था जो इतिहाद टूटने के खतरे में था। उसके बाद दाखिले तनाजात थे यानी कुछ कबाइल ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्यादत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और पैगंबर की वफात के बाद इस्लाम से पहले उन्होंने अपनी वफादारी को बातिल समझा। देन है अर्तदाद की जंगें, अपोस्टेसी वार्स, रिदा वार्स। तो बगावतें और अर्तदाद जो इस दौर में था, बहुत से जो अरबी कबाइल थे तो उन्होंने या तो इस्लाम से इनकार किया था या ज़कात जो कि लाजमी सदका है ये अदा करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। देन अबू बकर लॉन्च द रिदा वार्स टू सप्रेस दीज रिवोल्ट्स एंड रिस्टोर द अथॉरिटी ऑफ इस्लाम अक्रॉस अरेबिया। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन बगावतों को दबाने और अरब में इस्लाम की अथॉरिटी बहाल करने के लिए अर्तदाद की जंगें शुरू की थी। उसके बाद है जो यानी कि मार्का जमामा है, बैटल जो ऑफ जमामा है जो कि 633 ईस्वी में हुई थी। तो ये एक अहम मार्का यमामा का था जो मुसलमिया और एक झूठे नबी के खिलाफ हुआ था और सख्त लड़ाई के बाद ये मुसलमिया को शिकस्त दी गई थी और इस्लाम के खिलाफ जो खतरा था वो ख़त्म हो गया था। देन कंसोलिडेशन ऑफ इस्लाम बाय द एंड ऑफ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रही। तो इस्लाम जो जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत यानी कि आखिर टाइम था तो उन्होंने अरब के अंदर इस्लाम के सियासी और मजहबी इतिहाद को कामयाबी से उन्होंने बहाल कर दिया था जो मुस्तकबिल की तौसी की बुनियाद भी बन गया था। तो इसमें जो यानी इसके अंदर जो कुरान और कुरान को जमा किया गया था और कुरान की यानी कि तरतीब इसके अंदर लगाई गई थी, उनके दौर में कुरान का तहफ़ किया गया था। तो हज़रत अबू बकर ने के जो उन्होंने कुरान को एक तहरीरी शक्ल में जमा करने का अमल का आगाज़ किया था और ये जो कोशिश थी ये जैद बिन साबित की क्यादत में की गई थी और इस बात को यकीनी बनाया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही को महफूज किया जाएगा। देन खिलाफा उमर बिन खिताब, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। तो उस हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद दूसरा जो दौर था खिलाफत का वो खलीफा उमर बिन खिताब का दौर था जो कि 634 से 644 तक था और इंतजामी निज़ाम का क्याम और मुस्लिम सल्तनत की तौसी इस दौर में हुई थी। मुस्लिम सल्तनत बढ़ी थी इस दौर में, उसकी तौसी हुई थी। तो लिबानत और फ़ास में फतूहत जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहत मुस्लिम सल्तनत की तेज़ी से तौसी हुई थी।
मुस्लिम अफवाज ने शाम और फलस्तीन में बाज़नतीनी सल्तनत को शिकस्त दी और दमिश्क 635 ईस्वी और यरूशलम 637 ईस्वी को फतह किया था और इन पर्शिया फारस के अंदर उन्होंने फैसला कुन मार का कादिसिया जो कि 636 ईस्वी में हुआ था सासानी सल्तनत को शिकस्त दी थी और इराक को उन्होंने फतह कर लिया था। एंड देन हम डिस्कस करते हैं मार्क यरमूक को जो कि 634 ईस्वी में हुआ था। तो ये एक क्रिटिकल बैटल थी, एक अहम मार्का था जो बाज़नतीनों के खिलाफ यरमूक दरिया के करीब हुआ था और जिसने लेवानत में मुस्लिम कंट्रोल को महफूज किया था। तो उन्होंने इंतजामी निज़ाम का क्याम किस तरह से यानी कि क्या क्याम अमल में लाए थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने गवर्नेंस को किस तरह से डेवलप किया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुस्लिम सल्तनत के लिए एक मौसर इंतजामी निज़ाम कायम करने का क्रेडिट दिया जाता है और उन्होंने फतहशुदा इलाकों में गवर्नर्स मुकर्रर किए थे और इंसाफ का निज़ाम कायम किया था जिसके अंदर काजी भी शामिल थे। और इसके अलावा बैतुल माल यानी कि खजाना वो उन्होंने कायम किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बैतुल माल जो कि अवामी खजाना था ये उन्होंने कायम किया ताकि रियासत की मालियात का इंतज़ाम किया जा सके और उन्होंने एक मुनसफाना टैक्स और दौलत की तकसीम का निज़ाम भी इंट्रोड्यूस करवाया था अपने दौर हुकूमत में। उसके बाद इसके अंदर है मिल्ट्री गैरिजन टाउन्स यानी जो फौजी एरोजन शहर थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फौजी के जो गैरजन शहर थे जैसे कि बसरी और कूफा ये कायम किए थे ताकि फौजियों को ठहराया जा सके और नए फतहशुदा इलाकों में मुस्तकिल फौजी मौजूदगी को बरकरार रखा जा सके। उसके बाद उनके दौर हुकूमत में इंसाफ कायम हुआ था, फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता था, लोगों के लिए मशावरत की जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शोरा के निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें फैसले जो थे वो पैगंबर के साथियों और बाकी अहम शख्सियात के साथ मशावरत के जरिए किए जाते थे। देन वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया गया, उन्होंने फलाही पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाई थी जिन्होंने इब्तदाई इस्लामी जंगों के साबिक फौजियों के लिए पेंशन और इसके अलावा बेवों यतीमों और गरीबों के लिए माली इमदाद इसके अंदर शामिल की थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं खलीफा उस्मान बिन अफान को। उस्मान बिन अफान की जो खिलाफत का दौर था वो 644 से 656 तक रहा था और मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े मसाइल थे इस दौर हुकूमत में। सो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, कंटिन्यूड एक्सपेंशन, उस्मान कंटिन्यूड द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इनिशिएटेड अंडर उमर एक्सपेंडिंग द एम्पायर फर्दर इनटू नॉर्थ अफ्रीका सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे ईरान। तो तौसी का तसलसल उन्होंने रखा था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने के तहत जो शुरू होने वाली फौजी फतुहात थी उनको जारी रखा और शुमाली अफ्रीका वस्ती एशिया और जदीद दौर के कुछ हिस्सों में भी उन्होंने तौसी की थी। देन नेवल पावर है बहरी ताकत, तो उन्होंने पहली इस्लामी बहरिया कायम की जिससे मुस्लिम सल्तनत की बहरिया रोम में बलादस्ती हासिल हुई। देन कम्प्लीशन ऑफ द कुरान, कुरान की तरतीब लगाई गई, कुरान की म्यारी शक्ल को कुरान को उसकी म्यारी शक्ल में लाया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे अहम जो उनका कारनामा है वो कुरान की म्यारी शक्ल है, उन्होंने इस मतन को एक ही सरकारी शक्ल में जमा करने का हुक्म दिया था विच वाज सेंट टू डिफरेंट प्रोविंसेस टू प्रिवेंट एनी रीजनल वेरिएशंस, जिसे मुख्तलिफ सूबों में भेजा गया ताकि किसी भी अलग इख्तलाफात को रोका जा सके। उसके बाद जो इश्यूज आए थे यानी नेपोटिज्म और हुक्मरानी के मसाइल के इल्जामात वगैरह थे, यानी उस्मान ने कई करीबी जो रिश्तेदार थे खासतौर पर अमवी कबीले के अफराद को अहम उहदों पर मुकर्रर करने पर तनकीद का सामना किया था, फिर इससे बाकी जो कबायल थे और फिरके थे उनके अंदर बेचैनी पैदा हो गई थी। तो इस फिर ये बेचैनी बढ़ती गई जैसे जैसे सल्तनत की तौसी हुई, करप्शन ना इंसाफी और अदम मसावात के बारे में जो शिकायत थी वो बढ़ती गई थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत को अवाम की ज़रूरियात से बेखबर समझा जाने लगा। देन असैसिनेशन ऑफ उस्मान, उस्मान का कत्ल हुआ 656 ईस्वी में, तो जो बेचैनी थी इसने शोरश की सूरत इख्तियार कर ली थी और उस्मान को आखिरकार एक बागी गिरोह के जरिए उनके घर में मदीना में मैसूर कर लिया गया था। तो मज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद
हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को 656 ईस्वी में कत्ल कर दिया गया, जो मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े दाखिली इंतशार की शुरुआत का एक माकवी है, एक निशान दिया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं खलीफा अली अबू तालिब, राइज ऑफ द फैक्शनलिज्म, इलेक्शन एज खलीफा। तो उन्होंने खलीफा अली अबिन तालिब की जो फिरके वारियत का रूज था, वो तो खलीफा के तौर पर उनका इंतखाब किया गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत उस्मान के कत्ल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और दामाद थे, तो चौथे खलीफा के तौर पर वो मुंतखब हुए थे और उनकी हुकूमत फौरन मुस्लिम कम्युनिटी में मुख्तलिफ फिरकों की तरफ से चैलेंज की गई थी। देन फर्स्ट फितना इस्लामिक सिविल वार, पहला फितना हुआ था इस्लामी खाना जंग हुई थी मारका जमल 656 ईस्वी के अंदर। तो एक बड़ा यानी कि ये तनाज़ा था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हामियों और जो फरीक थे जिसकी क़ियादत आयशा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रही थी, जो पैगम्बर की बीवी थी, और तलहा और ज़ुबैर ने के दरमियान ये जंग थी। देन टू साइड्स क्लैश इन द बैटल ऑफ कैमल नियर बसरा विद आल इमर्जिंग विक्टोरियस थ्रू द बैटल डीपन डिवीजन विदिन द मुस्लिम कम्युनिटी। और दोनों तरफों के दरमियान जो मारका हुआ था जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फाते हुए, हालांकि इस मारके ने मुस्लिम कम्युनिटी में तकसीम को मज़ीद गहरा कर दिया था। देन बैटल ऑफ सिफन मारका सफीन हुआ था 657 ईस्वी के अंदर, मुआविया के साथ तनाज़ा हुआ था। तो मुआविया जो शाम के गवर्नर थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का रिश्तेदार था, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तो नतीजतन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की अफवाज और मुआविया की अफवाज के दरमियान मारका सफीन हुआ, जो एक यानी कि सेटलमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया था जिसमें सुलह का फैसला किया गया था। उसके बाद है खवारिज की बगावत। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हामियों का एक जो धड़ा था, तो ये एक फिरका था जिसे खवारिज कहा जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के जो कैंप से ये बगावत कर गया था क्योंकि वो मुआविया के साथ सुलह करने के फैसले के खिलाफ थे, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ बगावत की जिसने मज़ीद तनाज़ा पैदा किया और अदम इस्तेहकाम भी पैदा किया। देन असैसिनेशन ऑफ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कत्ल हुआ 660 ईस्वी में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत का खात्मा हो गया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को एक खारिज के इंतहा पसंद ने नमाज पढ़ते वक्त कत्ल कर दिया था और हिज डेथ मार्क द एंड ऑफ कुवैत खिलाफत द बिगनिंग ऑफ द उमैया आइडेंटिटी, और उनकी मौत ने रासतबाज खिलाफत का खात्मा किया था और उम्मीद सल्तनत के आगाज़ का फराम मौका भी दिया था। देन एबडिकेशन ऑफ इमाम हसन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उमैया डायनेस्टी 660, इमाम हसन का इस्तीफा और उमैया सल्तनत का क़याम अमल में आया था 660 ईस्वी में के अंदर। तो इमाम हसन का जो इस्तीफा था वो यानी कि हजरत जो यानी हसन की जो जानशीनी थी हजरत अली रज़ी अल्लाह के कत्ल के बाद उनके बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने आजी तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की उन्होंने क़यादत संभाली थी, लेकिन हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जल्द ही यह एहसास हुआ कि मुआविया के साथ तनाज़ा जारी रखना मज़ीद खून रेजी और तकसीम का बायस बनेगा। तो जल्द ही उनको यह एहसास हो गया था कि ये मुआविया के साथ तनाज़ा जारी यानी कि खून रेजी की वजह बनेगा, तो उन्होंने यानी कि मुआविया के साथ अमन का मुआहदा किया और 661 ईस्वी में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने मुआविया के हक़ में इस्तीफ़ा देने के ऊपर इतफाक़ किया ताकि खाना जंगी से बचा जा सके। तो इस शर्त के ऊपर कि मुआविया इस्लामी असूलों के मुताबिक हुक्मरानी करेंगे और क़यादत हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके ख़ानदान के हक़ में मुआविया की मौत के बाद मुंतकिल हो जाएगी। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उम्मी डायनेस्टी, फिर उम्मी सल्तनत का क़याम अमल में आया विद हसन एबडिकेशन, मुआविया बिकेम द फर्स्ट खलीफा ऑफ उमैया डायनेस्टी मार्किंग द एंड ऑफ राशिदीन खिलाफत एंड बिगनिंग ऑफ द हेरिडिटरी रूल इन इस्लामिक वर्ल्ड। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला के इस्तीफे के साथ मुआविया उम्मी सल्तनत के पहले खलीफा बन गए थे जिसने राशिदून खिलाफत का खात्मा किया था और इस्लामी दुनिया में विरासती हुक्मरानी का आगाज़ किया था। उसके बाद जो उम्मी हुक्मरानी थी उम्मी सल्तनत ने दमिश्क में अपना दारुलहुकूमत कायम किया और तकरीबन एक सदी तक हुक्मरानी की और इस्लामी सल्तनत की मज़ीद तौसी की, लेकिन अपने आमराना और विरासती तर्ज हुकूमत के लिए तनकीद का सामना भी किया। तो रासतबाज खिलाफत एक ऐसे दौर की यह नुमाइंदगी करता है जो इस्लामी सल्तनत की तारीखी तरक्की का दौर है
और जो सरहदी तोसी इस्लामी हुकूमत के इस्तेकाम के लिहाज से नुमाया है। सो हाउ इट वाज आल्सो मार्क्ड बाय इंटरनल चैलेंजेस पार्टिकुलरली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व्हिच लेड टू डीप डिविजंस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी द राइज ऑफ फैक्शनलिज्म ड्यूरिंग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रीन एंड सब्सिक्वेंट एबडिकेशन ऑफ इमाम हसन पेव द वे फॉर द उमय्या डायनेस्टी ब्रिंगिंग एन एंड टू द एरा ऑफ राइटली गाइडेड खलीफा। तो रसदबाज खिलाफत एक ऐसे दौर की नुमाइंदगी करता है जो इस्लामी सल्तनत की तारीखी तरक्की का दौर है, जो सरहदी तोसी इस्लामी हुकूमत के इस्तेकाम के लिहाज से वाज़ेह है। यह दौर दाखिली चैलेंज से भी भरा हुआ था, खासतौर पर खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के बाद, जिसने मुस्लिम कम्युनिटी में गहरे तकसीम को जन्म दिया था, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फिरका वारियत का अरूज और इमाम हसन का इस्तीफा उम्मी सल्तनत की राह हमवार करने की वजह बना, जो राशिदून खिलाफत के दौर के खात्मे की वजह भी बना। सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इत्तेदाद की जंगें और इस्लाम के इस्तेकाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद पहले खलीफा के तौर पर किसको मुंतखब किया गया था। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में उन्हें कौन से फौरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी के इत्तेहाद बरकरार रखने में मुश्किल का सामना था। देन हमने डिस्कस किया इर्तदाद की जंगें क्या थी, अपोस्टेसी की जंगें क्या थी और ये क्यों अहम थी। ये जंगें उन कबाइल के खिलाफ थी जो इस्लाम से मुनहरिफ हो गए थे, और ये इस्लाम के सियासी और मजहबी इत्तेहाद को बहाल करने के लिए ज़रूरी थी। देन हमने स्टडी किया कि यमामा की किस जंग में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने मुसलमा के खिलाफ अहम फतह हासिल की थी। तो ये जंग जो थी जंग यमामा कहलाती है, और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए। उन्होंने कुरान को तहरीरी शक्ल में जमा करने का आगाज किया, जिसकी क्यादत ज़ैद बिन साबित ने की। देन हमने डिस्कस किया खलीफा उमर बिन खिताब के दौर को। तो ये जो दौर था 634 से 644 तक था, इंतजामी निज़ाम का क्या अमल में लाया गया था, मुस्लिम सल्तनत की तोसी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में कौन से अहम फौजी फतवाहात हासिल की गई थी। तो दमिश्क और यरूशलेम की फतवाहात और ईरानी सल्तनत के खिलाफ फैसला कौन फतह, ये उनके दौर के अंदर शामिल थी। देन हमने स्टडी किया कि हज़रत उमर ने बढ़ती हुई मुस्लिम सल्तनत के लिए इंतजामी निज़ाम कैसे कायम किया। तो उन्होंने सूबों के गवर्नर मुकर्रर किए थे और अदलिया के निज़ाम का क्याम किया अमल में लाए थे। बैतुल माल क्या है और यह किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये अवामी ख़जाना है जिसका इस्तेमाल रियासत की माली ज़रूरियात और फलाही मनसूबों के लिए किया जाता है। देन हमने डिस्कस किया कि हज़रत उमर ने अपने दौर खिलाफत में शहरीों की फलाह बहबूद को कैसे यकीनी बनाया। तो उन्होंने अवाम की बहबूद की पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस करवाईं, जैसे पेंशन वगैरह और माली मदद भी दी। उसके बाद हमने डिस्कस किया खलीफा उस्मान बिन अफान की मुस्लिम कम्युनिटी में मसाइल और चैलेंजेस को। तो खलीफा उस्मान के दौर में कौन सी बड़ी तोसी जारी रही, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया की तोसी जारी रही। हज़रत उस्मान को कुरान के मजमुआ के लिए क्यों जाना जाता है, उन्होंने कुरान का एक मुस्तनद नुस्खा मरतब किया था, मुख्तलिफ इलाकों में भेजा था, इसी वजह से उनको कुरान के मजमुआ के लिए जाना जाता है। देन हमने डिस्कस किया कि हज़रत उस्मान पर कौन से अकरबा परवरी के अल्ज़ामात आयद किए गए थे। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अहम अहदों के ऊपर मुकर्रर किया था, जिससे दूसरे कबाइल में बेचैनी पैदा हुई थी। उसके बाद 656 ईस्वी में उस्मान के कत्ल की वजह क्या बनी थी, तो वो अवामी नाराज़गी थी और शोरश ने उन्हें बेघर किया, जिसके नतीजे में उनका कत्ल हो गया था। देन हमने डिस्कस किया खलीफा अली बिन तालिब की फिरका वारियत का अरूज, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के चौथे खलीफा बनने पर उन्हें कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो उन्हें मुख्तलिफ जमातों की मुखालफत का सामना करना पड़ा और दाखिली खलफशार का भी सामना करना पड़ा। देन हमने स्टडी किया कि बसरा के करीब जंग कैमल की क्या अहमियत थी। तो जी अली और उनकी मुखालिफ जमात के दरमियान पहली बड़ी जंग थी जो फिरका वारियत में इजाफे की वजह बनी थी। देन हमने स्टडी किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने किसके साथ जंग सफीन लड़ी और इसका नतीजा क्या रहा। तो उन्होंने मुआविया के साथ जंग सफीन लड़ी जो एक मुतनाज़ा मुआहदे के ऊपर ख़त्म हो गई थी। देन हमने स्टडी किया ख्वारिज कौन थे और उनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के दौरान क्या किरदार था। तो ख्वारिज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हामियों में से एक जमात थी जो उनके फैसला साजी से नाराज होकर बगावत कर गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत का खात्मा कैसे हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को 660 ईस्वी में एक ख्वारिज के इंतहा पसंद ने कत्ल किया था,
और इमाम हसन का इस्तीफा और उम्मीद सल्तनत का क्याम क्या था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के बाद हजरत इमाम हसन ने कौन सा फैसला किया था? उन्होंने मुआविया के हक में इस्तीफा देने का फैसला किया था। देन हमने डिस्कस किया कि हजरत हसन ने मुआविया के साथ अपने मुआहदे में कौन सी शरायत रखी थी कि मुआविया इस्लामी असूलों के मुताबिक हुक्मरानी करेंगे। ये शर्त रखी थी और क़यादत हसन के खानदान को वापस मिल जाएगी, ये दूसरी शर्त थी। उसके बाद मुआविया का इक्तदार में आना इस्लामी हुक्मरानी में तब्दीली की किस तरह अलामत है? तो ये विरासती हुक्मरानी की शुरुआत की अलामत है। उम्मीद सल्तनत के क्याम की क्या अहमियत थी? उम्मीद सल्तनत ने इस्लामी हुकूमत के नए अंदाज और हुक्मरानी के एक नए दौर का आगाज किया था। देन हमने डिस्कस किया कि जो यानी उम्मीद सल्तनत का क्याम अमल में आया था और इस तरह इस्लामी हुकूमत ने किस अंदाज से हुक्मरानी की थी, तो उन्होंने नए अंदाज से हुक्मरानी की थी उम्मीद सल्तनत ने और हुक्मरानी के एक नए दौर का आगाज किया था। सो हमने डिस्कस किया जो रसदबाज खिलाफत के दौर की तफसीलात को और उनके दौर में होने वाले अहम वाकयात को। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।